गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास सिक्स मैथ का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, देखो, टू और मोर फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या दो ठो फ्रैक्शन का सेम वैल्यू होने से उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। दिस कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर देखो, ये एक ठो स्क्वायर है, स्क्वायर को बीच से डिवाइड किया गया है, तो दोनों फिगर सेम है, ये जितना है ये जितना है, तो दोनों फिगर इक्विवेलेंट है। ये गोए स्क्वायर को फोर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो चारों पार्ट सेम है, तो ये है इक्विवेलेंट। ये सिक्स टू पार्ट, एट टू पार्ट में, नाइन सिक्स टू पार्ट में डिवाइड किया है, सारे पार्ट सेम है, तो ये है इक्विवेलेंट। ये एट टू पार्ट में डिवाइड किया है, चारे पार्ट, सारे एट टू पार्ट सेम है, तो इसको कहेंगे इक्विवेलेंट पढ़ेंगे। जो भी क्या सेम वैल्यू होने से उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, दोनों साइड सेम होने से। जैसे दिस फ्रैक्शन वन बाय हाफ, टू बाय फोर, थ्री बाय सिक्स, फोर बाय एट, ये सब है क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये सेम सेटेड पार्ट है। वन बाय टू, इसको भी टू बाय फोर को कट देने से वन बाय टू हो जाएगा, इसको भी काट देने से वन बाय टू हो जाएगा, इसको भी काट देने से वन बाय टू हो जाएगा, तो ये सब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ था वन बाय टू, ये टू बाय टू पार्ट कलर हुआ है टू बाय फोर, थ्री पार्ट कलर हुआ है थ्री बाय सिक्स, फोर पार्ट कलर हुआ है फोर बाय एट, तो ये सब सेम ही स्क्वायर है, एक ही स्क्वायर को ये इतना भाग में डिवाइड किया गया, तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे वन बाय हाफ इज इक्वल टू टू बाय फोर, तो वन में टू इंटू करने से और टू में टू इंटू करने से टू बाय फोर होता है, वन टू जाए टू, टू टू जाए फोर, तो इसमें ऊपर नीचे टू टू इंटू मल्टीप्लाई करने से टू बाय फोर हो रहा है, तो ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये वन बाय टू में इज इक्वल टू थ्री बाय सिक्स, वन में थ्री इंटू करने से टू में थ्री इंटू करने से थ्री बाय सिक्स हो रहा है, तो ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये थ्री थ्री को काट देने से वन बाय टू ही आएगा, तो ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये वन बाय हाफ में इज इक्वल टू फोर बाय एट, तो ये वन में फोर इंटू करने से टू में फोर इंटू करने से दोनों फोर बाय एट होगा, तो ये फोर फोर काट देने से वन बाय टू ही आएगा, तो वन बाय टू इज इक्वल टू वन बाय टू होगा, तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो द फ्रैक्शन वन बाय टू, टू बाय फोर, थ्री बाय सिक्स आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसलिए ये इसको काट देने से ये भी वन बाय टू आएगा, इसको काट देने से ये भी वन बाय टू आएगा, इसलिए ये तीनों क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये आगे देखो एग्जांपल पिक्चर में, एक तो सर्किल है, सर्किल को डिवाइड किया गया टू पार्ट में, तो दोनों पार्ट सेम है, तो हाफ। ये सर्किल है, सर्किल को फोर पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये वन फोर्थ। ये सर्किल है, सर्किल को थ्री थ्री टू पार्ट साइडेड कलर हुआ है, थ्री टू पार्ट नहीं, सब पार्ट सेम है, तो ये थ्री सिक्स है, ये कितना फोर एट है। राइट द फ्रैक्शन आर द दिस फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है लिखने के लिए क्या है, तो ये दोनों पार्ट सेम है हाफ, ये चारों पार्ट थोड़ा सेम नहीं दिख रहा है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये इक्विवेलेंट दोनों सेम है, और ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, ये पार्ट ये यहाँ से बड़ा है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, तो ये थ्री बाय सिक्स भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सर्किल को सब इक्वल नहीं है, तो थ्री बाय सिक्स नहीं लिख सकते हैं, ये वन बाय फोर नहीं सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा है, ये दोनों पार्ट छोटा है, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, सिर्फ ये दोनों सर्किल में सेम है सब पार्ट, इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और ये नहीं है इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने के लिए, ये वन बाय हाफ दिया है, टू बाय फोर दिया है, थ्री बाय सिक्स दिया है, फोर बाय एट दिया है, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की नहीं है, कैसे पता करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं पता करने के लिए, ये वन बाय फोर दिया है पहले, इसके साथ ये तीनों इक्विवेलेंट है कि नहीं पता करने के लिए, टू बाय टू को डिवाइड करने से ऊपर जितने डिवाइड करेंगे नीचे भी इतना, टू में डिवाइड दोनों जो हो सकता है, तो टू को टू में डिवाइड करने से और फोर को टू में डिवाइड करने से हाफ आएगा, तो ये इसके साथ इक्विवेलेंट हो गया। तो थ्री बाय सिक्स को ये से डिवाइड, थ्री और थ्री में दोनों को थ्री थ्री में डिवाइड करने से ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये भी हाफ हो गया, इसके साथ सेम हो गया, तो ये भी इक्विवेलेंट है। ये फोर बाय एट को फोर फोर से डिवाइड करने से ये भी हाफ आ गया, तो ये भी इसके साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो वन बाय टू इज इक्वल टू टू बाय फोर इज इक्वल टू थ्री बाय सिक्स इंटू फोर बाय एट, तो इसको
ऐसे इक्विवेलेंट पता करने के लिए डिवाइड कर देने से ऊपर नीचे दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करने से पता चलेगा, तो सब सेम होने से वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो बस आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।